आज हम बनाएंगे मेंदू वड़े। उसके लिए मैंने ये मूंग की दाल को है ना सुबह में भिगने डाली थी। अभी ये हमारी लगभग है ना 4 से 5 घंटे भीग चुके हैं। इसका पानी मैंने पूरा स्ट्रेन कर लिया है और अभी इसको मैं पीसूंगी मिक्सर के जार में डालकर। और इसको विदाउट पानी का पीसना है। आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हो, लेकिन पानी नहीं ऐड करना बिल्कुल भी इसमें, वरना है ना बैटर हमारा लिक्विड ही हो जाएगा, क्योंकि हमें लिक्विडी बैटर नहीं बनाना है। तो चलो अभी मैं इसको पीसती हूँ। और ये देखो उड़द की दाल हमारी पीसकर रेडी है। देखो कितनी स्मूथ हो गई है। अभी इसकी एक प्रोसेस बाकी है। अभी इसको मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और इसको अभी अच्छे से हम लोगों को फेंटना है। इतना अच्छा फेंटना है कि एक फ्लफी बैटर बन जाए, इतना अच्छे से उसको फेंटना है। तो ये ज़रा मेहनत वाला काम है। एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को ऐसे सिर्फ चम्मच को हिलाते रहना है, मतलब वो फ्लफी हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, और अच्छे से ना हिलाना है। कम से कम एक 10 मिनट तो आपको ऐसे अच्छे से हिलाना है उसको। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। ये देखो बैटर को और एक सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे फेंटूंगी अच्छे से। और आप पहले देख सकते हो कि ये कितना था और अब देखो कितना हो गया है। और ये बैटर हुआ है या नहीं ये कैसे पहचाने का, ऐसे ना वाटी में ना एक पानी लेने का और पानी में ना ये बैटर डालने का। और आप देख सकते हो बैटर है ना ऊपर ही ऐसे तरंगता है, तो मतलब ये आपका बैटर है ना फ्लफी बन गया है, ऐसे समझने का। देखो अच्छे से ना सिर्फ ऊपर तरंगता है, अगर फ्लफी नहीं होगा ना तो नीचे बैठ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। अभी ये हमारा फ्लफी हो गया है। अभी हम लोग इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। नमक है, नमक आप अपने हिसाब से ऐड करना। मैंने मेरे हिसाब से बराबर ऐड की हूँ नमक। थोड़ा कम रहा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हरी मिर्ची और लहसुन की पेस्ट है, ये इसमें ऐड करूँगी मैं। और ये बारीक चॉप की हुई प्याज है, इसका पानी ऐसे पूरा निचोड़ के है ना इसमें ऐड करना, वरना ये प्याज का पानी है ना छूट जाएगा इसमें। और प्याज ऐड करना मतलब ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहे तो ही ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं ऐड करना। आपको अगर अच्छी लगती हो इसमें प्याज तो ऐड करना, हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है। और ये बिल्कुल है ना साउथ इंडियन साइड मतलब स्टाइल से ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साउथ इंडियन में ना ऐसे ही सब ऐड करते हैं वो लोग। तो जो गिल्ला नारियल रहता है ना, मतलब अपना नारियल जो रहता है ना उसका वो जो खोबरा रहता है ना, उसके पीसेस भी छोटे छोटे ऐड करते हैं वो लोग इसमें, लेकिन हम लोग नहीं ऐड करते। वो मुंह में आए ना तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता। ये देखो ये प्याज का पूरा पानी मैंने निकाल दिया। और ये जो प्याज का पानी निकलता है ना इसको वेस्ट मत करना, इसको है ना अपने बालों में लगा देना। इससे है ना बाल बहुत है ना तेजी से बढ़ते हैं, और है ना बाल में का जो कोंडा रहता है और जो मतलब जिनके बाल को बढ़ नहीं है बहुत सारा कोंडा है और बाल मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए है ना ये बहुत अच्छा है। ये है ना ऐसे है ना थोड़ा देर लगाने का बालों के ऊपर अच्छे से उसकी जड़ों को बालों के, और फिर है ना रात भर रखने का बालों को बांध कर, और सुबह में ना बाल वॉश करने के। इसका बहुत बेनिफिट है, इसको फेंकना मत, ट्राई करके आप लोग ज़रूर देखना। और अभी ये सब चीज़ें हैं ना इसके अंदर हम लोग मिक्स करके लेंगे अच्छे से। और मैं आज आप लोगों को है ना 2 तरीके से ना बनाना सिखाऊंगी मेंदू वड़े। एक तो हाथों पे सिखाऊंगी मैं जैसे बनाती हूँ वैसे हाथों से अपने, और दूसरा तो चम्मच के ऊपर बताऊंगी। और भी है बहुत सारे ट्रिक, कोई कोई मशीन में भी डाल के उसको बनाता है, मतलब उसका वो जो साँचा मिलता है ना उसमें भी डाल के बनाते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे बन जाते हैं, मैं तो हाथों से ही बनाती हूँ। ये देखो हमारा बैटर रेडी है। अभी इसके लिए ऑयल गरम के लिए रखेंगे और फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे ना।
जो फ्राई कर करके मतलब 2 दिन से ना ऑयल है ना उसका बचा हुआ है ना कुछ भी मतलब वेज ऑयल है ये, नॉन वेज ऑयल नहीं है, भजिया वगैरह फ्राई करते ना उसका ऑयल है। तो अभी इसको हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे, अभी इसका देखो कलर कैसे हाई येलो येलो टाइप है। इसको क्या करने का, हाई फ्लेम में ना 2 मिनट अच्छे से ना ऐसा अच्छे से एकदम तेल को है ना धुआं आने तक है ना गर्म होने के लिए देने का, और फिर थोड़ा देर बंद करके रख देने का, वो अपने आप फिल्टर हो जाता है। और वैसे करके ना आप रीयूज कर सकते हो उसका, लेकिन फिल्टर करके ही यूज करना, वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। और इतना तेल फेंकेगा कौन बाबा, कितनी महंगाई हो चुकी है अभी। और अभी देखो ये आहिस्ता आहिस्ता है ना पूरा मतलब ये हो रहा है, गर्म हो रहा है, अच्छे से गर्म होने देने का हाई फ्लेम पर। फ्लेम देखो मेरी हाई है पूरी, अच्छे से गर्म होने देने का, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और फिर गैस को ऑफ करना। मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी देखो आप देख सकते हो तब से इसका कलर कैसा था येलो येलो, और अभी देखो उसमें से धुआं आ रहा है और अभी कलर चेंज हो गया है। अभी ऑफ करेंगे गैस के फ्लेम को और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसमें ना मैंने खोबरा गिला, शेंगदाने, कोतंबीर, अदरक और लहसुन, अदरक की 1 इंच का अदरक का टुकड़ा रहेगा शायद, और लहसुन की 4 कलियाँ और 1 मुट्ठी शेंगदाने, और है ना ये खोबरा आप अपने हिसाब से लेना, गीला खोबरा, कच्चे नारियल का, सूखा नहीं, गीले खोबरे की ही चटनी अच्छी लगती है, और कोतंबीर आप अपने हिसाब से लेना। और इसको ढक्कन लगाकर अभी हम लोग पीस लेंगे मेंदू वड़े के लिए, इसकी खोबरे की चटनी बनाएंगे। थोड़े शेंगदाने ऐड करने से ना चटनी ठीक भी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है ना वो है। और अभी इसमें ऑयल डालकर है ना सिंपल सा ही तड़का लगाएंगे, और मैं ज़्यादा मतलब कुछ तड़के में ये नहीं करती, सिर्फ कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ और राई ऐड करती हूँ, लेकिन अभी कड़ी पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए सिर्फ मैं राई डालूंगी 1.5 चम्मच राई डालूंगी मैं इसमें, और मेरे पास तड़के का वो जो ये रहता है वो भी नहीं है इसलिए मैंने इसमें ये हूँ। और अभी इसको इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करके लेंगे। ये देखो हमारी चटनी बनकर रेडी है। इसके साथ एक्चुअली सांभर खाते हैं, लेकिन हमारे घर पे सांभर कोई नहीं खाता इसलिए मैंने खोबरे की चटनी बनाई। खोबरे की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। आप चाहे तो ऐसे भी तड़का दे सकते हो, चाहे तो पहले तड़का देकर ये चटनी उसमें ऐड करके थोड़ा उसको पका भी सकते हो, वो भी ऐसे भी अच्छी लगती है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अभी ये एक कटोरी में मैंने पानी ली हूँ, पानी वैसे हाथ के ऊपर लेंगे और थोड़ा सा इसमें से बैटर लेंगे और इसको है ना अच्छे से ऐसे करेंगे, पहले मतलब फ्लफी करेंगे और थोड़ा सा ये चिपके ना इसलिए ना इसके ऊपर हाथ पे थोड़ा सा है ना पानी लगा के लेने का, और इसको ऐसे पानी में डिप करके ना इसे होल बनाने का और ऐसे हाथ के ऊपर वापस से ले लेने का और ऐसे ना छोड़ देने का तेल के अंदर। वापस ये जो हाथ को चिपका है ना ये पूरा निकाल के लेने का और यहाँ पे ना वापस थोड़ा सा पानी लेने का, थोड़ा स्लो ही रखने का गैस को, वापस थोड़ा सा पानी लेके ना इसको ऐसे ऐसे करने का तो थोड़ा है ना वापस फ्लफी बनता है वो, और फिर है ना उसको ऐसे उंगली को पानी लगा के ना बीच में ऐसे होल जैसा बनाने का और वापस है ना इस हाथ पे ले लेने का उसको, ये देखो, और ऐसा छोड़ देने का तेल के अंदर। ये हाथ के ऊपर बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई हूँ, और अभी चम्मच पे बताती हूँ मैं आप लोगों को चम्मच पे कैसे बनाते हैं। ये जो ऐसे वाला गोल चम्मच रहता है, अभी ये मेरे पास छोटा है इसलिए छोटे बनेंगे, बड़ा वाला भी आता है वो बड़ा वाला ले लेना आप लोग, और इसको ऐसे ना थोड़ा सा तेल लगा के ना इसके ऊपर ये बैटर को रखेंगे, जितना इसके ऊपर रहेगा ना, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं रहता थोड़ा सा ही रहेगा, इसको अच्छे से ऐसे रख के ना इसको बीच में ना ऐसे होल बनाने का,
और इसको तेल के अंदर ऐसे छोड़ देने का। देखो तेल के अंदर अच्छे से वो छूट गया है। और ये लेकिन है ना, मुझे तो है ना ये बहुत झंझट का काम लगता है इसके ऊपर चम्मच के ऊपर बनाने का। हाथ से ये ना बहुत अच्छे बन जाते हो। ये वापस मैं ले लूँगी हाथ के ऊपर, ये देखो, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं हाथ के ऊपर के। ये देखो वापस डिप करेंगे उंगली पानी में और अच्छे से ऐसे बनाएंगे इसको। इसको छोड़ देंगे ऐसे। थोड़ा आपका गोल मतलब शेप है ना, एकदम गोल तो नहीं आएगा लेकिन अच्छे बन जाते हैं टेस्ट में, तो है ना ऑसम बन जाते हैं। ये देखो इसमें कुछ आप लोगों को सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ दूसरा कुछ मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से यह है ना बन जाते हैं। और अगर समझो आपका बैटर पतला हो गया, मतलब ऐसा थोड़ा सा गाढ़ा नहीं रहा, अगर पतला हो गया तो आप लोग है ना इसमें ना एक ट्रिक आजमा सकते हो। इसमें ना आप लोग जो रवा रहता है ना बारीक सूजी बोलते जिसको, वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो चावल का जो आटा रहता है ना वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, 2 या 3 चम्मच आपके बैटर के हिसाब से। उससे क्या होता है उसको थिकनेस बनाता है। अगर बैटर आपका लिक्विडी हो गया मतलब थोड़ा पतला हो गया, तो क्योंकि पतला हुआ तो फिर वो ज़्यादा आता नहीं है ना, वड़े उसके सही से बनते नहीं। इसके लिए अगर पतला हुआ ना बैटर तो उसमें ध्यान रखना सूजी या चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स कर देने का और उसको वापस हिला देने का, अच्छे से वो बन जाता है। ये देखो वड़े हमारे रेडी हो रहे हैं और कितने अच्छे बने। देखो ये हाथ वाले भी देखो और चम्मच वाला भी देखो, चम्मच वाले से ना हाथ वाला बहुत अच्छा बना है। देखो वड़े हमारे अच्छे से बन गए। देखो ये मेरे हाथ से बना हुआ वड़ा है, ये देखो कितने अच्छे से बन गए। यहाँ पे निकाल के लेती हूँ। और ये वाला देखो, ये चम्मच का, ये चम्मच का देखो कैसे बना, हाथ से ही बहुत अच्छे बनते। अभी बाकी के सब वड़े मैं बना कर ले लेती हूँ। उड़ीद वड़े बनकर रेडी है। है हमारी आज की इफ्तारी, आप लोग भी आ जाओ इफ्तारी करने के लिए। हम लोग अभी आए हैं डी मार्ट में। ये बिल कर रहे, देखो इधर अभी हो गया, अभी घर पे जा रहे हैं हम लोग। ये हमारी डीमार्ट की शॉपिंग, अभी ये सब निकाल के ना रखने का है।